हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ दी। स्वागत है एक बार तो फिर थोड़े अपने यूट्यूब चैनल एम एस डब्ल्यू स्टडी फॉर जॉब दे विच। अपने क्लासा सी जी राजी लगातार चल रही सी पंजाबी व्याकरण के नाल। तो इस तो पहले जी अपनी क्लासा ने तकरीबन 20-21 लैक्चर अपने बन चुके हैं। अज का जो अपना लैक्चर होगा नैक्सट लैक्चर है। इस तो पहला क्लास स्टार्ट करने तो पहला जे बच्चे चैनल के उपर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल में सबसक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली कोई भी अपडेट है थोड़े तक सब तो पहला पहुंच सके। सो क्लास स्टार्ट करने तो पहला आज का जो बिग ऑफर है थोड़े नाल आपां शेयर कर लेने हैं। गुरपुरब के मौके के उपर अपना ही चैनल के उपर ऐप के विच एक जिहड़ा तुहाडे वास्ते खास एक ऑफर अज कल रात 11 बजे तक, ठीक है बई, जिस दे विच तुसीं देख सकते हो कि जिहड़े बच्चे ऐप लैण दे चाहवान ने, जिहड़ा कोई बच्चा ऐप लैणा चाहुंदा गा, सो यह अपने चैनल का अपने ऐप का भी लोगो हैगा, देख सकते हो, ठीक है बई। ठीक है, सो सब तो पहले तुहानूं अज दे जिहड़े डिस्काउंट ऑफर चल रहे उहदे बारे दस देणे। जिहड़े चाइल्ड डिवेलपमेंट का कोर्स है तुहाडे वास्ते एक तैयार किया होया जिदी कुल फीस जी 500 रुपया से, जिस दे विच तुहानूं 100 रुपया जिहड़ा ऑफ वह मिल रहा है, 100 रुपया डिस्काउंट है। इस तो इलावा जिहड़े बच्चे एस एस टी पंजाबी तैयारी कर रहे हो इहदे विच राजे तुहानूं फुल कोर्स मिल रहा है। बी एड वाले बच्चों ये तुहानूं 300 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है भी, 300 का डिस्काउंट कूपन मिल रहा है। तो यह जो डिस्काउंट होगा पहले 30 स्टूडेंट लिए होगा जिहड़े कोई अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तो इलावा जिहड़े 999 का कोर्स इस 200 का डिस्काउंट मिल रहा है, पहले 30 स्टूडेंट ने, बहुत वधिया मौका राजे। अपने ऐप के उपर अज तक तैयारी करके बहुत सारे बच्चे ने जो अपना पी एस टैटा क्वालीफाइड किया है। सो तुसीं एक बार चैनल के उपर ऐप के उपर जाके तुसीं विजिट करके ऐप नूं तुसीं देख सकते हो, ठीक है। उहदे विच तुहानूं फ्री वीडियो मिल जाएंगे। तो इस तो इलावा जिहड़ा कोई बच्चा ऐप लैण दा चाहवान है, सो इस नंबर के उपर तुसीं वट्सअप कॉल मैसेज राही पूरी इनफॉर्मेशन होर लै सकते हो। तो इस तो इलावा जिहड़ा कोई बच्चा अपने नाल टैलीग्राम ग्रुप के भी जुड़ना चाहुंदा, इह साडे टैलीग्राम ग्रुप का जिहड़ा लिंक है तो यह वट्सअप लिंक है, जिहड़ा कोई बच्चे वट्सअप राही साडे नाल ज्वाइन होना चाहुंदे ने, ठीक है भाई। ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, किसी का कोई भी नंबर किसी तक शो नहीं होंगे, सिर्फ साढ़े लिए तो नंबर है जो वो शो हो, ठीक है। सो जेकर तुसी वट्सएप ग्रुप के शामिल होना चाहते हो अपना नेम सबजैक्ट डिस्ट्रिक्ट जेंडर लिख के वट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू। इस तो इलावा आप अगे चलते अपने अज की क्लास। चलो भाई यदा फस्ट क्वेश्चन है, देखो थोड़ी स्क्रीन के उपर काल कहिंदे डैश की व्याकरणक श्रेणी है, काल है जिहड़ी डैश की व्याकरणक श्रेणी है, किरिया की होगी, किरिया विशेषण की जां कल्ले विशेषण की जां कारक की। हुण देखो इहदा राइट आंसर होगा नंबर एक। वह किवें आया मैं तुहानूं इत्थे समझा दा, क्योंकि जिहड़े तीन ऑप्शन है राजे अपने काम दीआं नहीं, किरिया विशेषण, किरिया विशेषण कित्थे वरत्या जांदा जिथे आपने कोई किरिया की विशेषता दसनी होवे, है ना, कोई किरिया की विशेषता दसनी होवे। मान लो वह पढ़ रहा है, इहदे विच किरिया की विशेषता कि होगी पढ़ रहा, है ना। तो कला विशेषण कि सोहना गोरा चंगा माड़ा, जो किसी बंदे का स्पैसीफिक गुण दसण हो विशेषण होंगे, तो कारक एक अलग चीज होगी, है ना, 8 प्रकार का होंगे। तो जिहड़ा काल हुंदा इह हमेशा किरिया नाल जुड़िया हुंदा, क्योंकि किरिया तो बिना काल की कोई अहमियत नहीं हैगी। मान लो इत्थे हुण आपां लिख दईए मैं तुहानूं पढ़ा रही हाँ, पढ़ा रही हाँ, तो यह टाइम किहड़ा हो गया, प्रेजेंट टाइम है हुण दा, है ना, नाल नाल आपां काल भी पता लग रहा ते किरिया भी, किरिया भी। इसे करके काल की व्याकरणिक श्रेणी किहड़ी है, वह किरिया। नैक्सट क्वेश्चन देखो, छल शब्द की व्याकरणक पछाण है, जिहड़ा एक शब्द आपां नूं दित्ता होया छल, पानी की छल ला लो, दुध की छल ला लो, है ना, कोई भी ला लो, ये शब्द की आपां नूं व्याकरणक पछाण दसनी है कि की है। एक वचन है, ये एक वचन पुलिंग है, बहुवचन स्त्रीलिंग है, जां एक वचन स्त्रीलिंग है, जां बहुवचन पुलिंग है। राइट आंसर होगा तां नंबर 3, एक वचन स्त्रीलिंग, क्योंकि छल आप नाम लैके ही आपां नूं पता लगता है छल, स्त्री दे नाम वांगू लगती है।
ठीक है। हुण मैं इत्थे तुहाडे अगे एक होर नाम रखा, जिवें दरिया हो गया, समुंदर हो गया, ये किहड़ी च आ गए? ये एक वचन पुलिंग च लगते ने, है ना। पुलिंग च हो गए भाव व्यक्ति वाले च हो गए, है ना, मनुख वाले च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पंजाबी साहित्य का मुढ़ किस श्रेणी तो बनता है? पंजाबी साहित्य जिहड़ा मुढ़ा कहिंदे किन्हां तो बनता है? नाथ जोगियां तो, शेख फरीद तो, गुरु नानक देव तो, या वारिस शाह तो? बहुत ईजी क्वेश्चन, नाथ जोगियां तो, क्योंकि पंजाबी साहित्य का जिहड़ा मुढ़ा वह नाथ जोगियां ने बनिया सी। ठीक है, भी सब तो पहला इन्हां दे बारे आपां नूं पढ़ने नूं मिलदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वार का कहिंदे मूल है जिहड़ा मारकंडे पुराण है? वह केड़ी वार है जिहदा मूल कहिंदे मारकंडे पुराण तो है? आसा दी वार होगी, चंडी दी वार, जैतसरी दी वार होगी, या हड़वा वड़हंस दी? इहदा राइट आंसर होगा राजे चंडी दी वार। चंडी दी वार हुण किहदे नाल संबंधित है? मां दुर्गा दे नाल, है ना, आपां बीए दे विच पढ़िया होया चंडी दी वार। नैक्सट क्वेश्चन देखो, किस गुरु साहिबान दे कहिंदे श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच केवल श्लोक श्लोक दर्ज मिलते ने आपां नूं? ओह किहड़े गुरु साहिबान सी? जिन्हां ने कहने आपां नूं सिर्फ श्लोक दर्ज मिलते ने। थोड़ा मैं जे हौली बोल रही हाँ, इस नूं ना लईओ, कोई क्लास स्लो चल रही है, थोड़ी फिजिकल प्रॉब्लम है तां करके। ठीक है जी, कहते श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विचों किहड़े इकले गुरु ने जिन्हां दे सिर्फ आपां नूं श्लोक मिलते हैं? श्री गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास। इहदा राइट आंसर होगा राजे गुरु अंगद देव। ठीक है, इत्थे मैनूं थोड़ी जी कन्फ्यूजन लगती है, एक बार तुसीं मैनूं कमेंट करके जरूर दस्सो, क्योंकि मैनूं यह तेग बहादुर जी लग रहे ने श्लोक। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखो, नहीं कल की क्लास के तुहानूं क्लीयर कर देंगे ये। नैक्सट क्वेश्चन, मर्दां दा गिद्धा कहिंदे पंजाब दे किस खेते नाल संबंधित लोक नाच है? मर्दां दा गिद्धा जिहड़ा कल आपां ने पढ़िया सी झूमर, कल आपां ने पढ़िया सी झूमर, है ना, ते इत्थे आ गया मर्दां दा गिद्धा। माझे नाल हो गया, हो मालवे नाल हो गया, दुआबे नाल, या पुआध नाल? राइट आंसर होगा इहदा नंबर दो, मालवे दे नाल। मर्दां दा जिहड़ा गिद्धा गा वह मालवे दे नाल संबंधित है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, इन्हां विचों कहिंदे किहड़ा संबंध शब्द संबंधक नहीं है? हुण आपां नूं इत्थे इह दस्सणा है, इन्हां चार ऑप्शनां दे विचों किहड़ा शब्द आ जिहड़ा संबंधक नहीं हैगा? कोल अते विच ताई। राइट आंसर होगा नंबर दो, अते, अते नहीं हैगा। क्योंकि ये दो चीजा आपस दे विच जोड़न दा काम करदा, है ना, तां करके अलग हो गया। नैक्सट क्वेश्चन देखो, स्वर धुनिया की गिणती है? इकताली है, तीन है, पैंती है, या दस है? राइट आंसर होगा नंबर चार, स्वर धुनिया। स्वर धुनिया की गिणती किन्नी होगी? दस होगी। ठीक है भाई, नैक्सट क्वेश्चन देखो, देसी साल का आखिरी महीना कीड़ा है? देसी साल का अपने इतने आखिरी महीना दसना कि कीड़ा हुंदा। हुण देसी साल का आखिरी, देसी साल दे विच कड़े कड़े महीने आउंदे ने? चेत, माघ, चेत, फगण, पोह, अस्सू, कत्ता, है ना, ओ वाले। हुण इत्थे आपां ने लास्ट दसना कि लास्ट किहड़ा हुंदा इत्थे? लास्ट आऊगा बई फगण। ठीक है, ते मे वी स्टार्टिंग, ये भी तुसीं कमेंट करके जरूर दसना कि जिहड़ी स्टार्टिंग है वह किहड़े महीने तो हुंदी है? लास्ट तां आपां देख लिया फगण तो हुंदी है, है ना, फगण तो लास्ट हुंदी है। ते साल की शुरुआत किहड़े महीने तो हुंदी है? यह तुहाडे अज दे होमवर्क है, ठीक है, दसना हो जरूर। नैक्सट क्वेश्चन, कहिंदे पहला सारे आपो अपने विचार रखणगे, फिर मैं अपनी कोई राय देंगा, इस वाक विच कर्म वार निश्चय वाचक अते निजवाचक पड़नाम की पछाण करो। कहिंदे पहला सारे आपो अपने विचार रखणगे, फिर मैं अपनी कोई राय देंगा। हुण जिहड़े इह वाक इहदे विच अनिश्चय वाचक निजवाचक पड़नाम की अपने पछाण करनी है कि केड़े केड़े ने? सारे अपनी, आपो अपनी कोई, या कोई सारे, या कोई मैं? राइट आंसर होगा नंबर एक, सारे अपनी। ठीक है, इतने अपनी आऊगा। ठीक है भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबर की है? सुबर हुंदा जिहड़ा ओह की है? कहिंदे संदलवार दा लोकां दा जिहड़ा लोक नाच हैगा, बालणियां दी खेड आ गई, व्यंदर कुड़ी दे सिर दा कपड़ा हो गया, जे मौत समय कीती जाण वाली रस्म हो गई। सुबर की है? राइट आंसर हो गया था नंबर चार, ये तो भाई तीन होगा इतने, ठीक है तीन है, ये गलत है। सुबर है जिहड़ा व्यंदर कुड़ी दे सिर दा कपड़ा, ये ठीक है तीन होगा, ये अपने पंजाबी सभ्याचार दे विच आए हुए क्वेश्चन ने। सुबर की है? व्यांदड़ कुड़ी दे सिर दा कपड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंजाबी पहरावे विच कहिंदे सलवार कमीज किस प्रभाव दा सूचक है? पारसी तो आया है, यूनानी तो आया, आर्याई तो आया या इस्लामी तो आया? राइट आंसर होगा नंबर चार, इस्लामी तो। पंजाबी पहरावे दे विच जिहड़े आपां सलवार कमीज पाउने आ ये किहड़े प्रभाव दा सूचक मन्नया जांदा? इस्लामी दा, इस्लाम धर्म दे विच आया होया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी जाति दी सांस्कृतिक नुहार किस विचों पूरे रंग नाल प्रतिबिंबित हुंदी है? किसी जाति दी कहिंदे सांस्कृतिक जिहड़ी नुहार हुंदी है ओह किस विचों पूरे रंग नाल प्रतिबिंबित हुंदी हैगी? रस्मां रिवाजां चों, मेले त्योहारां दे विचों, लोक नाचां विचों या लोक कलावां दे विचों? राइट आंसर इहदा होगा नंबर दो, मेले ते त्योहारां दे विचों, क्योंकि मेले ते त्योहारां दे विचों ही आपां नूं पता लगदा किसी जाति दी भाव सभ्याचारक नुहार। हुण आपणे पंजाब दे मेलियां ते वग जाओ, है ना, हुण उत्थे आपणे लोक किवें जांदे ने, कुड़ते चादरे पाए हुंदे ने, किसी किसी दे पग्गां बन्नियां हुंदियां ने, कुड़ियां दे जिहड़े मठियारां नेगियां पंजाबी सूट पा के जांदे ने, पर ओह गल अलग कि अजकल जिहड़ा कुड़ियां नहीं ही ज्यादा, आपां इह नहीं कह सकदे, इत्थे थोड़ी जी गल कहणी गलत हो जांदी है, ओह कि जिहड़े अजकल दे पढ़ी लिखी जनरेशन है ना, वह पंजाबी पहरावे नूं भुल के जिहड़ा अपने वैसटर्न कल्चर नूं अपना रही है, जिहड़ा कि सरासर गलत है ना। पर जिहड़े अपने मेले ते त्योहार ने है ना, उन्हां दे विच पंजाबी जिहड़ा सभ्याचार उह झलकदा है, किसी भी जाति नूं ला लो, ठीक है बई। सो जेकर मेरी गल बुरी लगी हुई तो माफ करना, पर यह अज की सच्चाई है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, डमरू लई विशेष साज किहड़ा वरत्या जांदा है? डमरू लई विशेष साज है वह किहड़ा वरत्या जांदा? काटो, अलगोजे, चिमटा या ढोल? राइट आंसर इहदा होगा नंबर चार, ढोल, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन, बारह माह काव्य रूप किस महीने तो शुरू हुंदा है? जिहड़ा बारह माह काव्य रूप है वह किहड़े महीने तो शुरू हुंदा? माघ तो, विसाख तो, सौण तो या चेत तो? राइट आंसर होगा नंबर चार, चेत तो, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन, किहड़ा जुट सही है? हुण इन्हां चार ही ऑप्शन दे विच आपां ने दसना है कि वह किहड़ा जुट जिहड़ा सही है। वैण विरलाप, सिठणी उस्तदी, थाल नोक नाच या बोली टप्पा? राइट आंसर होगा नंबर एक, वैण ते विरलाप, ये सही है, ठीक है, ये बाकी तिने गलत ने गे। नैक्सट क्वेश्चन, भाषा के आधार से कहते पंजाब का पुनर्गठन कदों होया? हुण जेकर आपां गल करिए कि भाषा के आधार से पंजाब का पुनर्गठन कदों होया सी, 15 फरवरी 1947, 21 फरवरी 1949 या 1 नवंबर 1966 या 26 नवंबर 1950? कल की सी अपना संविधान दिन सी, है ना, संविधान दिवस सी अपना, 26 नवंबर 1949 नूं बन के तैयार होया सी, 26 नवंबर 1950 नूं लागू होया सी, है ना। हुण इत्थे राइट आंसर किहड़ा होगा अपना सी, 1 नवंबर 1966, ठीक है, जदों पंजाब दा पुनर्गठन होया सी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, पंजाबी सभ्याचार दे मूल सोमे किहड़े हन? पंजाबी सभ्याचार दे मूल सोमे किहड़े ने? स्थानिक ने, ओह भारती ने, विदेशी ने या उपरोक्त सारे ने? राइट आंसर इहदा होगा नंबर चार, उपरोक्त सारे, स्थानक, भारती ते विदेशी, ते सारे मिलके ही की बनाउंदे ने पंजाबी सभ्याचार दे मूल सोमे। क्वेश्चन रिपीट हो गया, परसों भी कीता सी आपां ने। नैक्सट क्वेश्चन, किसी शब्द के नाल हेठ लिखियां विचों किहड़े अगेतर की वरतों नकारात्मक अर्थां नूं दर्शाउंदी है? नकारात्मक किहड़े हुंदे ने? जिहड़े गलत हुंदे ने, है ना, भी किसी शब्द नाल भाव जिवें इन्हां चारां दे विचों कोई आपां ला दईए तां जिहड़े उहदे शब्द के अर्थ होणगे उह गलत निकलणगे, बद, निर, अण या सूं? राइट आंसर होगा बद, जिवें बदकार, है ना, वह चीज होगी ना। नैक्सट क्वेश्चन देखो, आड़े नूं कन्ना पिछेतर ना बनने वाला सही शब्द किहड़ा है? सच्चा, पक्का, गत्ता या बच्चा?
आड़ इन करना। राइट आंसर होगा नंबर एक सच्चा, बोल के भी देख सकते हैं आप, है ना, जिम्मे आड़े कन्ना पिछे जी आवाज वह आदि आँदी है सच्चा। नैक्सट क्वेश्चन, अलौकिक का समान अर्थिक नहीं है, अलौकिक का समान अर्थिक नहीं है, केड़ा शब्द नहीं है, भौतिक, अनूठा, बेमिसाल या अलोकार। इत आपने अलौकिक का समान अर्थ ही दसना है भी जेड़ा नहीं बनता, नहीं ये चीज याद रखियो क्योंकि पेपर दे विच जाके ना आप थोड़े ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाने भी अपन आ नहीं तो पढ़ती नहीं है। राइट आंसर कहड़ा होगा नंबर एक भौतिक। ठीक है नैक्सट क्वेश्चन, ओड़क का विरोधी शब्द नहीं है, मगरला, अंत, आदि या छेकड़। ओड़क का विरोधी शब्द नहीं है, राइट आंसर यह होगा नंबर तीन आदि। ठीक है भाई आदि। सो इस जे अपने अज के क्वेश्चन इतने खत्म होंगे ने। सो जेकर आप गल करिए जी आप सब तो पहला गल की सी कि जेकर कोई बच्चा अपना कोर्स लेना चाहता रही तो कल राती 11 बजे तक थोड़े यही ऑफर चल रहे हैं, जिद एक बार तो फिर मैं तुम्हें दस दिनी हाँ कि जिद भी ए अपना 100 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है जो कोई बच्चा लेना चाहता है सिर्फ CDP का, जेडे बच्चे ये होंगे ना साढ़े CDP कमजोर है सिर्फ CDP का, तो इस अलावा जो कोई बच्चा फुल प्रॉपर तैयारी करना चाहते नहीं PS टैट की SST पंजाबी वाली 1 साल की वैलिडिटी होगी राजे इन्होंने कोर्सा की, मैं तुम्हें इतने भी दस दा। ठीक है 1 साल की वैलिडिटी होगी तो 1700 का मिल रहा है। ठीक है जिदे 300 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है 300 रुपया। तो इस तुम अलावा जो बच्चे ETT वाले ने 999 का यह कोर्स पर इतने 200 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है 1 साल की वैलिडिटी तो पहले 30 स्टूडेंट ने जिन्हों वास्ते यह ऑफर होगा। ठीक है भाई सो जेकर तुम कोर्स लैन के लिए इंट्रस्टड है हो तो इस नंबर के उपर वट्सअप कॉल मैसेज राही पूरी इन्फॉर्मेशन है जी लै सकते हो। ठीक है सो थैंक यू, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग, मिलते हैं नवी क्लास में। सो थैंक यू।